हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम और द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम और द बोहर्स एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन रिडबर्ग कांस्टेंट दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट एट्थ ए पार्ट ओनली एटम सो लेट्स गेट स्टार्टेड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ऐटम ठीक है देखो आपके पास क्या हुआ एक सैंटिस्ट थे रेडबर्ग इसे अब जो है आर से डिनोट करते हो रेडबर्ग कॉन्स्टेंट आर इसने ये बोला कि जो ग्राउंड स्टेट है और एक आपके पास एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट सबको पता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लेके वो जो है ग्राउंड से एक्साइटेड में तो चला जाएगा अगर आपने एटम का टेम्परेचर बढ़ा दिया उसे हीट दे दी आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था सेवंथ यूनिट वाले चैप्टर में सेवंथ यूनिट में बताया था कि जब भी आपके पास ग्राउंड स्टेट पे एटम्स होंगे ना अगर आप उन्हें एनर्जी दोगे हीट की फॉर्म में दे सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे सकते हो यू कैन प्रोवाइड एनर्जी इन द एनी फॉर्म आपने जिस भी फॉर्म में उसे एनर्जी को प्रोवाइड किया है वो एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा नहीं रह सकती क्योंकि वो उसकी स्टेबल नहीं है उसे अब वापस क्या होना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए रिडबर्ग ने क्या कहा कि अलग अलग रीजन बनाए इसने अलग अलग सीरीज़ बनाई वो आपके पास क्या थी लाइमन सीरीज बामर सीरीज ब्रैकेट सीरीज़ पीफन सीरीज़ इस तरह से इसने सीरीज़ बनाई उनको अलग अलग नाम दे दिया नेमिंग कर दी रिडबर्ग ने उसके बाद जो है उनकी आगे की नेमिंग जो है पांच स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनाएगी उनकी नेमिंग उनके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कर दी गई कि बामर ने जो एक्सप्लेन किया वो बामर को दे दिया पीफन ने जो एक्सप्लेन किया वो अलग अलग रीज़न के अकॉर्डिंग तो उसे स्टडी करेंगे हम रिडबर्ग की हेल्प से वो देखो आपके पास क्या था रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप इसे ये फॉर्मूला था वन बाय लेमडा इससे न्यूमेरिकल आ सकता है इसको न्यू बार भी बोलते हो न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर ठीक है इसे क्या बोलते हो वेव नंबर ये किसके इक्वल होता है वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन फाइनल स्क्वायर बोलो इसे इनिशियल स्क्वायर इसे बोल दो और भी अच्छा रहेगा नेमिंग के लिए इन टू आर यहां पर ये आर जो था वो क्या था रिडबर्ग कॉन्टेंट दिस इज द रिड बॉग फॉर्मूला ठीक है अगर वेवलेंथ गिवन है तो उसका रिवर्स कर देना डायरेक्ट वेव नंबर गिवन है वेव नंबर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर इन्वर्स होती है या फिर मीटर इन्वर्स होती है न्यूमेरिकल में ऐसे पता लगाओगे अगर खाली मीटर है तो यानी कि वेवलेंथ लेंथ है उसका इनवर्स है तो इसका मतलब क्या गीवन है वेव नंबर गीवन है तो सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज आई थी वो आई थी लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज वो कैसे निकली थी पहले मैं आपको स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो क्या था आपके पास एनर्जी मैंने कल ही निकलवाई थी क्या थी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एन स्क्वायर यही थी फर्स्ट ऑर्बिट होगी एन इज इक्वल टू वन होगा तो एनर्जी कितनी आ जाएगी ई वन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अगर सेकेंड होगा ऑर्बिट तो एन की जगह पे क्या पुट करोगे टू पुट करोगे टू की पुट करने के बाद आपके पास क्या होगा टू का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि फोर से डिवाइड करने के बाद ये आएगी माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब नेक्स्ट ऑर्बिट आएगी आपके पास थ्री थ्री में आपके पास क्या आ जाएगा नाइन तो नाइन से डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सोन लास्ट होगी आपके पास यहां पर एन की वैल्यू इन्फिनिटी तो एनर्जी इंफिनिटी में कितनी हो जाएगी थर्टीन पॉइंट सिक्स बायिनिटी इन्फिनिटी किसी के भी नीचे जाए जीरो तो यानी कि लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी जीरो होगी कम से कम भी आपको ई थ्री तक पता होना चाहिए और ई फोर की आपके पास होती है पॉइंट एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो ये देखो किस तरह से स्पेक्ट्रा बना अभी इसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं एन इज इक्वल टू क्या है वन ठीक है सबसे पहले एन इज इक्वल टू वन उसकी एनर्जी कितनी है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वन एनर्जी नेक्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है ई टू इसकी एनर्जी कितनी है माइनस थ्री पॉइंट फोर उसके बाद जो एनर्जी है वो कितनी है माइनस वन पॉइंट E3 की एनर्जी कितनी है माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके बाद E4 है E4 की एनर्जी कितनी है माइनस पॉइंट एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की आपको वैल्यू भी याद रखनी है वो वैल्यू आपके पास कितनी होती है वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन इसकी वैल्यू कई बार आपको गिवन होती है और कई बार गिवन नहीं होती है तो इसकी वैल्यू याद रख लेना आर की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन इंटू टेन टू द पावर सेवन मीटर इनवर्स ठीक है दिस इज द वैल्यू फॉर द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट नेक्स्ट है ये स्पेसिंग कम होती जाती है इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कम हो जाएगा e5 हो जाता है आपके पास e5 से डिवाइड करो यानी कि 25 से डिवाइड करोगे और 25 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आएगा अराउंड पॉइंट फाइव फोर इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास मैं ले लेती हूँ डायरेक्ट इन्फिनिटी पे ई e इन्फिनिटी क्या होगा जीरो स्पेसिंग बिल्कुल कम होगी ठीक है अब ये देखो रिडबर्ग क्या बोलता है लाइमन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा जब मेरे पास इनिशियल स्टेट वन होगी यानी कि वन में आना चाहिए अब वो वन में टू से भी आ सकता है थ्री से भी आ सकता है फोर से भी फाइव से भी एंड सो ऑन ये कहता है कि वन में आना चाहिए अगर वन में आया मेरे पास इलेक्ट्रॉन जंप करके ठीक है एक्साइटेड स्टेट में एटम जो है चला गया था और वो वापस आया तो आपके पास क्या होगा वन में आने के लिए टू से आ सकता है वो थ्री से भी आ सकता है स्टेट लाइन ड्रॉ करना वो इस वाली स्टेट से भी आ सकता है वो इस वाली स्टेट से भी आ सकता है एंड सोन लेकिन इसने ये कहा कि अगर वन में आ रहा है मतलब फाइनल जो स्टेट है वो उसकी क्या है फिक्स है फाइनल स्टेट आपके पास क्या है वो फिक्स है तो फाइनल स्टेट आपके पास क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए दिस इज योर फाइनल स्टेट ये फाइनल होता है यहाँ पर इनिशियल इसको रिवर्स करो ठीक है फाइनल वन होनी चाहिए तो इसका नाम रखा गया लाइमन क्योंकि लाइमन ने एक्सप्लेन की और लाइमन का फॉर्मूला कई बार आ जाए तो लाइमन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर वन बाय एन फाइनल क्या स्टेट है वन का स्क्वायर कि वन में ही आएगा पक्का माइनस एन फाइनल का स्क्वायर अब फाइनल आपको नहीं पता फाइनल क्या हो सकती है भाई शुरू हो सकता इनिशियल इनिशियल क्या हो सकती है आपके पास इनिशियल जो है वो टू से भी आ सकता है वो थ्री से भी आ सकता है फोर से भी आ सकता है तो वेयर एन आई की वैल्यू क्या होगी टू से लेके कहीं तक भी जाएगी ठीक है तो ये लाइमन के लिए हो गया नेक्स्ट जो है आपके पास वो थे बामर बामर ने क्या कहा कि वो टू पे आनी चाहिए वो टू पे थ्री से आ सकती है फोर से आ सकती है इस तरह से आ सकती है वो कहीं से भी इसको बोला बामर क्या बोला गया इसको बामर सीरीज बामर थी एल जो है इसमें साइलेंट था तो इसके लिए रिटबॉक फॉर्मूला क्या बन गया वन बायडा इज टू आर फाइनल क्या होनी चाहिए टू में आना चाहिए यानी कि टू का स्क्वायर इनिशियल आपको नहीं पता कितनी इनिशियल कहां से शुरू हो रही है थ्री से लेके कहीं तक भी जाए तो एन इनिशियल की वैल्यू क्या होगी थ्री फोर फाइव एंड सेवन so इससे ज्यादा लेनी है आपको ठीक है क्योंकि इससे ज्यादा से में इसे ही तो आएगा ना एनर्जी जो है रिलीज होगी नेक्स्ट जो सीरीज आई आपके पास लामन सीरीज बामर सीरीज उसके बाद आई आपके पास पाश्चन सीरीज पाश्चन ने कहा कि थ्री में आना चाहिए ये पाश्चन के लिए दिखा दो पाश्चन के लिए फॉर्मुले में यहाँ पे थ्री स्क्वायर हो जाएगा और एन आई की वैल्यू फोर से वेरी करेगी तो यानी कि ये है पाश्चन पाश्चन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वन बाय एलेमडा आर वन बाय थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाय एन इनिशियल का स्क्वायर और एन इनिशियल कहाँ से कहाँ लाइक करेगा फोर फाइव सिक्स क्योंकि थ्री में तो आना चाहिए उससे ज़्यादा स्टेट लेनी है ठीक है उसके बाद आया ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट कहता है फोर पे होना चाहिए तो ब्रैकेट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा वन बाय लेमडा आर फोर का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर और एन इनिशियल कहाँ से कहाँ होगी फाइव टू सिक्स एंड सोन क्योंकि ये फोर होनी चाहिए इसका नाम क्या है पाशन ब्रैकेट उसके उसके बाद जो है लास्ट वाली थी वो पी फंड थी पी फंड कहती है पांच में आना चाहिए ये क्या है पी फंड सीरीज पी फंड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर वन बाय किस में आनी चाहिए पांच में तो पांच एन इनिशियल कितना होगा सिक्स से लेके सोन इससे ज्यादा ठीक है अब आपके पास जो है विजिबल रीजन में कौन सी आई यूवी में कौन सी आई आई आर में कौन सी आई लाइमन सीरीज जो है वो कौन से रीजन में आती है यूवी में ये यूवी रीजन है कई बार वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बामर जो है वो विजिबल रीजन में आती है और बाकी जो है पाश्चन ब्रैकेट पी फंड ये तीनों किस रीजन में आती है आपके पास इंफ्रारेड इंफ्रा रेड होती है ये ठीक है सो दिस वॉज अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा जो है हाइड्रोजन एटम का कभी भी पूछ ले तो वो रिटवर्क कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए ये सीरीज किस तरह से बनाई गई बस इतना ही आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो है लिमिटेशन क्या थी बोर्स मॉडल की वो करके हम इसे पाइंड अप करते हैं यहां तक देखो कोई डाउट हो तो ठीक है ट आर लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल लास्ट टॉपिक है एटम्स का टॉपिक तो क्या है ये सिर्फ आपकी लिमिटेशन है दो तीन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये लिमिटेशन हर चीज की होती ही है ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ठीक है फर्स्ट इट इज एप्लीकेबल फोर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स ओनली सिर्फ जो हाइड्रोजन जैसे दिखते थे उनके लिए एलिमेंट्स ओनली सेकेंड है इट डज नोट एक्सप्लेन वाई ऑर्बिटल्स आर टेकन सर्कुलर ऑल दो आगे आप पढ़ोगे कि इलिप्टिकल ऑर्बिटल भी पॉसिबल है ऑल दो इलिप्टिकल ओरबिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल तो यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आपके पास इलिप्टल ऑर्बिट भी पॉसिबल है वो क्यों आपके पास नहीं ली गई है थर्ड जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर जो आप आगे पढ़ोगे फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑफ हाइड्रोजन आइटम इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमन और स्टार्क इफेक्ट जो आप आगे पढ़ोगे स्टार की इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो आप आगे पढ़ोगे तो ये भी आपका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ठीक है सो दिस वॉज अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और एटम जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट्स सेक्शन आई विल रिप्लाई देम सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू